प्यार कोकिला लता मंगेशकर की एक बार फिर से हम आप सभी के बीच करना चाहेंगे बात। एक बार फिर से लता मंगेशकर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में, कैसे लता मंगेशकर से जुड़ी तमाम खबरें जो हम आपको देते हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली होती है। एक बार लता मंगेशकर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके एक घर पर वो काफ़ी बीमार पड़ी हुई थी और उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम से डील किया था। उनका प्रेजेंट कंडीशन तो बहुत सही है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था लता मंगेशकर के साथ वो ट्रेजेडी जो काफ़ी ज़्यादा उन्हें मुश्किलों में डाल गया था। जी हाँ, 2 साल पहले की बात है, वेंटिलेटर पर रही थी लता मंगेशकर और इतना ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब हुआ कि उन्हें अचानक नाजुक हालत में ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तब वो 90 साल की थी और काफ़ी ज़्यादा ब्रीथिंग इश्यूज़ की वजह से उनकी सिचुएशन बहुत बुरी थी। यही कारण है कि जब से कोरोना ने भारत देश में दस्तक दी है, यानी कि साल 2020 से, साल 2021 आ गया, कोरोना के दूसरे लहर में भी लता मंगेशकर अपने घर से बाहर नहीं निकली। लता अपने घर पर ही बंद है। लता ना तो किसी से मिलती है और ना ही किसी के आसपास जाती है। कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के साथ साथ लता मंगेशकर पूरी तरह से अपनी सेहत को लेकर जागरूक है। तो इस तरह से लता मंगेशकर को लेकर तमाम खबरें हमने आपको हमेशा दी है और इस वक्त लता की सेहत ठीक है, लेकिन हालत उस वक्त नाजुक हुई जिसके कारण वो काफ़ी डरी हुई है। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।